हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे 10th क्लास के 12th चैप्टर का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है द वर्ल्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो चलिए इसके सबसे पहले सब टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। और जितने भी 9th क्लास के लोग अपने लेसन्स का वेट कर रहे हैं, तो इस लेसन के बाद उन्हीं के लेसन्स आएंगे। वर्सेलिस फ्रांस की एक सिटी है जहाँ पर यह ट्रीटी साइन की गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन और उसके एलीस ने हारने वाली कंट्रीज़ यानी कि डिफीटेड कंट्रीज़ पर कई सारे टर्म्स और कंडीशंस इम्पोज किए थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन और ओटोमन एम्पायर बिखर गया था। ये बिखर कर छोटे छोटे अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशंस में बदल गया, जिसमें से ओटोमन एम्पायर को टर्की ने रिप्लेस कर दिया। और ओटोमन एम्पायर के अफ्रीका में जितने भी सारे कॉलोनीज थे, उन्हें सभी विनिंग कंट्रीज़ ने आपस में बांट लिया। जर्मनी के भी कई अलग अलग कई सारे हिस्से हो गए, जिसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने रिप्लेस कर दिया। जर्मनी के ऊपर इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कई सारे इम्पोजिशंस लगाए गए और वॉर के जितने भी रिपेरेशंस का खर्चा है, सारा जर्मनी से लिया गया। जर्मनी को कई सारे टैक्सेस वगैरह भी विनिंग कंट्रीज़ को पे करना पड़ा, क्योंकि अकॉर्डिंगली इस सारे वॉर के रिपेरेशंस का पेमेंट जर्मनी से ही गया। तो टेरिटोरियल टर्म्स में भी अगर हम देखते हैं, तो जर्मनी ने अपनी कई सारी टेरिटरीज फ्रांस को लूज कर दी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द लीग ऑफ नेशंस 1920। लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश हुए थे ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बाद, यानी कि 11 जनवरी 1920 को। इसमें टोटल 58 मेंबर्स हुआ करते थे, जिनका काम था वॉर्स को होने से प्रिवेंट करना, लेबर वेलफेयर, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। कई हद तक ये लोग सक्सेसफुल भी हुए थे, लेकिन ये लोग वर्ल्ड वॉर टू को होने से रोक नहीं पाए, यानी कि ये लोग वहाँ पर फेल हो गए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। 20th सेंचुरी में रशिया एक बहुत ही लार्ज नेशन था, यानी कि ये एशिया के और यूरोप के कई सारे हिस्से में स्प्रेडेड था। और यहाँ पर उस टाइम पर ज़ार्स एम्पायर हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर ज़ार्स रूल किया करते थे। उस टाइम पर यहाँ पर ज़ार्स निकोलस टू आर्मी की मदद से रूल किया करते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल उस टाइम पर वहाँ पर फार्मर्स थे, और इसीलिए पीजेंट्स और फार्मर्स के बीच में बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया को बहुत लॉस हुआ। जहाँ पर इनकी इकोनॉमी हाई हुआ करती थी, इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई। और ये जहाँ पर इनकी आर्मी वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट आर्मी हुआ करती थी, वहीं पर रशिया लूज़र ऑफ ह्यूमन लाइफ्स कहलाने लगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मिलियन से भी ज़्यादा सोल्जर्स और सिविलियंस की वॉर में मौत हो गई थी। वॉर के टाइम पर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड की सप्लाई होने की वजह से यहाँ के लोगों के लिए फूड का शॉर्टेज हो गया। और इन सब चीज़ों को देखते हुए 8 मार्च 1917 को अराउंड 10,000 वुमेंस रोड पर उतर आईं, और इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इनकी सिर्फ दो ही डिमांड्स थी, जो कि है पीस और ब्रेड। बाद में इन्हें रशिया के वर्कर्स ने भी ज्वाइन कर लिया। निकोलस इससे अपसेट हुए और उन्होंने अपनी आर्मी को भेजा इन लोगों को सप्रेस करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाकर उनकी आर्मी ने भी इन्हीं लोगों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद दो ही दिन में हालात इतने बिगड़ गए कि निकोलस को अपना थ्रोन छोड़कर रशिया से भागना पड़ा। और ये बन गया 1917 का रशियंस का सबसे पहला रेवोल्यूशन, जिसे हम मार्च रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। इससे बड़ा रेवोल्यूशन यहाँ पर अक्टूबर में हुआ, क्योंकि अक्टूबर में 1917 में निकोलस के थ्रोन छोड़ने के बाद कुछ लिबरल पीपल रशिया को संभालने लगे। ये लोग वॉर को कंटिन्यू ही कर रहे थे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग वॉर रोकने में वॉर अगर ये लोग रोक देते हैं तो रशिया के ऑनर को ठेस पहुँचेगी। तो इसीलिए रशिया के ऑनर को बरकरार रखने के लिए ये लोग वॉर जारी रख रहे थे। लेकिन यहाँ पर लोग बहुत थक चुके थे अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए और फूड की शॉर्टेज को देखते हुए। ये लोग वॉर लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, तो इसीलिए इन लोगों ने अपनी सेपरेट काउंसिल्स बनानी स्टार्ट की। इन काउंसिल्स को हम कहेंगे सोवियत्स। धीरे धीरे यहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी आई, जिसका नाम था बॉल्शेविक्स। इस पार्टी ने रूरल एरियाज के सभी सोल्जर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और कॉमन पीपल के जितने भी सोवियत्स हैं, उसे अपने अंडर ले लिया। क्योंकि ये पार्टी इमीडिएट पीस चाहती थी, इसीलिए इन सभी सोवियत्स का भी इन्हें सपोर्ट मिला। और नवंबर 1917 में ही बॉल्शेविक्स की लीडरशिप के अंडर सोवियत्स ने लिबरल लोगों से अपनी गवर्नमेंट
और अपने पावर्स हासिल कर लिए थे और इन्होंने इमीडिएट स्टेप्स लिए वॉर को रुकवाने के लिए। लेकिन पीस तो रशिया में अभी तक कम्प्लीटली आया ही नहीं था, क्योंकि रशिया में ही एक सिविल वॉर चल रहा था। यहाँ पर ही उन्हीं की आर्मीज दो अलग अलग उसमें बट चुकी थी। सबसे पहला पार्ट था वाइट आर्मीज। वाइट आर्मीज वो थी जो चाहती थी कि रशिया डेमोक्रेटिक ना हो। ये आर्मीज को फ्रांस, यूएसए और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी। और दूसरी टाइप की आर्मीज थी एंटी कम्युनिस्ट आर्मीज, जो चाहती थी कि रशिया में डेमोक्रेसी आ जाए। बोल्शेविक्स ने रशियन एम्पायर को ख़त्म करके रशिया के सभी नेशंस को इंडिपेंडेंट कर दिया था, लेकिन फिर भी कई सारे नेशंस उन्हीं के बनाए यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को ज्वाइन कर रहे थे, जो कि 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था। यूएसएसआर ने एक ऐसा देश बनाने की कोशिश की जहाँ जो डेवलप्ड हो, मॉडर्न हो और जहाँ पर कास्ट, रेस जेंडर के प्रति इनइक्वालिटी ना हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जो कि है राइज ऑफ स्टालिन। यूएसएसआर के लीडर वाल्मदीन लेनिन की डेथ के बाद उनकी जगह लीडर बनने आए स्टालिन, जो कि 1924 में हुआ। और अपने लीडर बनने के कुछ ही डिकेड्स में इन्होंने अपनी पावर को बढ़ा लिया और यूएसएसआर के सारे एनिमीज को भी ख़त्म कर दिया, जिसके साथ ही यूएसएसआर की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी इन्होंने कई सारे प्लान्स बनाए। ये 5 ईयर प्लान्स का यूज़ किया करते थे, यानी कि 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स, जो कि 5 ईयर तक लास्ट होते हैं। और ये प्लान्स सिंपल थे। इन प्लान्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलता था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड। यूएसएसआर से कई सारे पीपल अराउंड द वर्ल्ड इंस्पायर्ड थे। ये लोग वो लोग थे जो कि इक्वालिटी और नेशनल फ्रीडम में बिलीव रखते थे। कुछ कम्युनिस्ट तो ये भी चाहते थे कि उनके नेशंस में भी कुछ इसी तरीके के सिमिलर चेंजेस हो। हमारे कुछ इंडियन लीडर्स जैसे कि M.N. रॉय, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर भी इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। लेकिन ये लोग, इनके ये जो सेकेंड आइडिया था यूएसएसआर का, जिसमें ये लोग अपनी ऑपोजिशन को सप्रेस किया करते थे, उसे भी खुलकर क्रिटिसाइज करते थे। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते थे इनकी लैक ऑफ डेमोक्रेसी और वॉयलेंस को देखते हुए। इसीलिए उस टाइम पर एक नॉवल आई। इस नॉवल का नाम था एनिमल फार्म, जिसमें जॉर्ज ऑरवेल ने यूएसएसआर के कई सारे आइडियाज़ को खुरकर क्रिटिसाइज भी किया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे अगले टॉपिक का नाम है द इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1929 और ये चला 1939 तक, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग तक भी ये बनी रही। इसी की वजह से पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, जिसकी वजह से हर चीज़ का प्राइस गिरता चला गया, क्योंकि लोगों की कंडीशन इतनी नहीं थी कि वो लोग इतने हायर प्राइसेस में चीज़ें बाय कर सके। कस्टमर डिमांड गिरती चली गई और गिरती डिमांड की वजह से भी ये प्राइसेस गिरते चले गए, जिसकी वजह से फैक्ट्री को अपना प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था। और इस प्रॉफिट की कमी से फिर से फैक्ट्रीज भी बंद होती चली गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। लोगों की परचेजिंग पावर इसकी वजह से और ज़्यादा गिर गई, जिसकी वजह से ऑब्वियसली डिमांड भी और ज़्यादा गिरती चली गई। इस डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी US के स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से, जिसका इफेक्ट पूरी वर्ल्ड को बाद में झेलना पड़ा। US में तो 25% पीपल इसके बाद अनएम्प्लॉयड हो गए थे, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ये रेट 33% तक चल गया, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट सभी सिटीज़ और सारे एग्रीकल्चर पर भी पड़ा। क्रॉप्स का रेट 60% गिर गया, जिसकी वजह से फार्मर्स को अपना एग्रीकल्चर भी छोड़ना पड़ा। इन सब चीज़ों की वजह से पावर्टी और होमलेसनेस बढ़ती चली गई। इस टॉपिक पे कई सारे पॉलिटिशियंस और इकोनॉमिस्ट ने डिबेट की। इन्होंने डिबेट की कि कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट मार्क्सिस्ट ने इस पर कैपिटलिज्म को ब्लेम किया और इनके अकॉर्डिंग बेस्ट सॉल्यूशन था सोशलिज्म। सोशलिज्म वो सिस्टम है जहाँ पर सारे जितने भी कंट्री के रिसोर्सेस हैं और बिजनेसेस हैं कंट्री के हाथ में होते हैं और कंट्री सबको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट, वहीं पर दूसरे इकोनॉमिस्ट J.M. Keynes के अकॉर्डिंग कंट्री को इन सब चीज़ों से हटने के लिए अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना होगा, जॉब्स क्रिएट करना होगा और पब्लिक डिमांड को बूस्ट करना होगा। इन सब चीज़ों के बाद US के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन ने न्यू डील नाम से कई सारी सीरीज ऑफ
पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया। इसका गोल था अनएम्प्लॉयड लोगों को रिलीफ पहुंचाना, फाइनेंशियल सिस्टम को रिफॉर्म करना और रिटायरमेंट पेंशन को एस्टैब्लिश करना। लेकिन ब्रिटेन ने तो ऐसे ही सोशल रिफॉर्म्स के अलग अलग चीज़ें बनाकर रखी थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले ही इन्होंने ये सारे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स ले लिए थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो इन्होंने बस इसे एक्सपैंड किया और इंश्योर किया कि सभी लोगों को बेसिक नीड्स मिले, जो है फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। इस तरीके से मार्केट में हुए अप्स एंड डाउन्स को हटा दिया गया। इसी के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। मैं जानती हूँ कि थर्ड टॉपिक में और कई सारे सब टॉपिक्स हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।